हालात बहुत खराब है, कोई व्यवस्था नहीं है सिलेंडर की भी, फुल्ली कालाबाजारी हो रही है भाई साहब। अच्छा। किसी दिन की पूर्ति नहीं हो रही है तो बाकी तो घनी दूर की बात है। कर्मचारी संख्या कम है तो उस वजह से काम धीरे होता है और लोग जो है ना 10 बजे आते हैं, उनको 12-1 बजे तक खड़ा रहना पड़ता है, खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती, हॉल पूरा भरा हुआ मिलता है डेली। राम राम, मैं सुदेश थे, देख रहा हो झलको बीकानेर। चैनल पर नया हो तो चैनल ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दियो। कोविड-19 को है जो दूसरो यहाँ केस कहाँ की पड़ाव आ चुके हैं, दूसरो लॉकडाउन है, 3 मई तक जारी है। तो आप अलग अलग जगह जाके सरकारी डिपार्टमेंट है बतावा थाने की कद खुलो रहे या कद कौन रहे। अब आप पीबीएम हॉस्पिटल गए एकदम जस्ट सामने मेन गेट पर खड़े और अठे की जगह व्यवस्था है बापा देखांगा। दिक्कत सारी दिक्कत ही दिक्कत है भाई साहब, ये है की ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है तो बाकी तो घनी दूर की बात है। ऑक्सीजन की अटके हालात है, हालात बहुत खराब है, मतलब एम्बुलेंस लगाने हॉस्पिटल लगाने कुछ नहीं है, ऑक्सीजन हाथ खड़ा है। अच्छा, बीकानेर में फिलहाल अभी सिलेंडर की पेशेंट अभी मान लो लाना है हमारे को कहीं कॉलोनी से लाना है, 108 नहीं है पत्ते हमारे को जाना पड़ता है, सिलेंडर नहीं दे रही है, हाथ खड़ा करिए तो हम कहाँ से लाएंगे। कितना दिन हो गया सिचुएशन बने? 2 दिन हो गया कल से, मतलब जब दिल्ली में हालात बनिया 2 दिन पहले भी टाइम, मतलब राजस्थान में ये हालात बन गया देख लो, बीकानेर में देख लो, कहीं तो, किसी को पूछ लो सिलेंडर के बाद नाम लोगे तो हाथ खड़ा करेगा नहीं तो। बीकानेर बीकानेर को जो को है मतलब आप हॉस्पिटल वो है तो वो तो जयपुर दूसरे नंबर पर है राजस्थान में, 2-4 टेस्ट वाला है, मिली बगे तो बाकी कोई है गाड़िया चाला मोटी माए मिलू डे, बाकी 12 गाड़िया जितनी भी 100-150 गाड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है सिलेंडर की भी, 2 दिनों बड़ी किल्लत है। मतलब इनमें भी कालाबाजारी हो रही है? बिल्कुल फुल्ली कालाबाजारी हो रही है भाई साहब। अच्छा। होटल के अंदर मतलब जगह अंदर जगह की सेट पेट है वे लिया हुआ है, थाने कौन मिले, थाने कौन मिले, थारो जो को पेशेंट है वो मिले मरते रहे फिर बाद में जुम्मेवारी डोली तो मरमा दे डोली, मतलब थे आवाज उठाई थे आवाज उठाई थारी यूनियन मिल गए उठाई आवाज अभी कल से ही हुई है, देखो आवाज उठाने के लिए पूरे भला सारे इकट्ठे होकर कब करेंगे और क्या। हॉस्पिटल आ गए इमरजेंसी, 1-2 दुकान तो खुली रहनी चाहिए, करनी चाहिए वो तो सरकार ने, बहुत करनी चाहिए इतनी व्यवस्था करनी चाहिए, इतनी गाड़ियाँ हैं, बाकी हॉस्पिटल तरफ तो क्या है कुछ नहीं है, नहीं अंदर कोई व्यवस्था कौन के थार लिए मार लिए अंदर कुछ व्यवस्था नहीं है। नहीं तो मतलब सारा दर्शक इंटर वॉच कर रहे हैं तो ये जो काम कर रहा है वो काबिले तारीफ है और थारे जजमे ने सलाम है कि थे इतनी भयंकर बीमारी के मायने आपकी जान जोखिम में डाल के मतलब मरीजों की तकी सेवा कर रहे हो, तो मतलब थारी सेवा करनी चाहिए या ने अंदर कोई चाय पानी को डिपार्टमेंट अंदर 5 रुपया भोजनालय मिले बट पे व्यवस्था है कि कोई व्यवस्था कौन नहीं, भोजनालय में ठीक है, मैं मरीजों का दुकान है एम्बुलेंस लिए कुछ नहीं है, खाने की दूर की बात अच्छा है कि व्यवस्था नहीं है, एक दुकान खुला रखी थी वो भी सुबह बंद करा के चले गए पुलिस वाले। अच्छा, हम बैठे हैं क्या करें, तो थे के कहना चाहो मतलब अगर थाने प्रशासन ही वॉच कर रहे हो ना, कहते हो कहने चाहो आके देखो मैं 24 घंटा लाग दिया तो सेवा के लिए लागूडा कोई मारे वास्ते लागूडा कौन है, हमारा परिवार ही माना भी एकता होगा, ये है प्रशासन हो थोड़ा समस्या को हल निकल। और अभी अभी वर्तमान में कितनी एम्बुलेंस आप बता सका कि कितनी एम्बुलेंस है अभी? तो फिलहाल तो देखो गयुड़ी है एम्बुलेंस, अभी तो गाड़ी कम से कम अंदर बारह करके 50-100 तो होगी होगी अभी फिलहाल। अच्छा, और अगर वो मतलब कोरोना को काल नहीं हुआ तो लगभग इतनी एम्बुलेंस रहेगी? नहीं कोरोना काल नहीं हुआ लगभग गाड़ी 150-200 गाड़ी रहे। अच्छा, और जी हाँ मतलब अंदर हॉस्पिटल में मतलब जान भी कोई एंट्री वगैरह भी हुआ है कि थारी जी हमें कई पेशेंट ने ले गए एंट्री वगैरह हुआ है कि? ना एंट्री वेंट्री कुछ नहीं होते, मतलब देखो तो पेशेंट आ रहे हैं बिंगी भी एंट्री को नहीं, तो अगर जगह पेशेंट ने थे ले आ रहा और वे पॉजिटिव निकल गया तो फिर के कोई सवाल नहीं उसमें कुछ, तो मतलब आ तो फिर थारा भी दिक्कत होगी, जदिता संपर्क में आ पाएंगे भी दिक्कत होगी, सारा की दिक्कत है वो तो मतलब आ एंट्री करनी चाहिए और बाकी जानकारी लेवे मतलब आ व्यवस्था बनानी चाहिए, बिल्कुल बनानी चाहिए सरकार ने व्यवस्था रखनी चाहिए, लेकिन एम्बुलेंस आगे आ दिक्कत है कि बने ऑक्सीजन की जगह सिलेंडर है बेकोन मिल गया और अंग वो कहनो है आरोप लगा रहा है एक प्रकार हो कि भाई अंदर है जगह कोई पहुंचा है बन सिलेंडर है जगह मिल जाए बाकी अंग लिए कोई सिलेंडर की व्यवस्था को नहीं और अंदर हूँ मतलब ये सिलेंडर लेन जावा जब हाथ खड़ा कर दे। राम राम, लार क्या बजो तो हाँ तो मास्क लगाओ तो बोलो तो मतलब क्या थे एम्बुलेंस चालक हो गए कोरोना काल के मायने मतलब थाने के समस्या देखने मिले है समस्या तो क्या यार देखो कोरोना पेशेंट अभी तक कोई ले आ कोनी ले आ कोनी एक आदो ही। अच्छा, आपने तो कोई कोई छोटा मोटा है को वापस करा अगर कोई आवे तो कोई चेक वगैरह करे कि पहले जी थे कि पेशेंट ने ले आया थे पेशेंट ले आया तो कि चेक करे कि भाई इन वाकई में बीमार है या कोनी हो के दिक्कत है कि नहीं चेक करे और जी कि थाने मतलब मान लो पेशेंट है जो दूर हूँ लेना है बहुत ज्यादा दूर हूँ लेना है तो थाने परमिशन लेनी पड़े या थारू के वो सिस्टम है नहीं तो ले जाओ आपको जो भाड़ा करे गाड़ी और जगह लोग गांव आवे क्योंकि थे गांव में भी लोग ले बने कोई परेशानी हुआ कि अंदर नहाने धोने या और कोई रहने पर जगह कॉम्प्लेक्स बने हाँ
फुल एकदम कॉम्प्लेक्स है, चार पांच कॉम्प्लेक्स बने रहे, कोई दिक्कत कोई नहीं। अच्छा, तो आप आईटम खड़े हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एकदम जस्ट आगे, पूछताछ करी हेड गार्ड है जिसका तैनात है, लगातार आपकी ड्यूटी कर रहा है। और गार्ड साहब आप बतायो कि भी अभी है जो माने कोई दिशा निर्देश इसो दियो कोनी गयो है कि खोलनी है या कोनी खोलनी, लेकिन मैं है जो कोविड 19 के तहत है जो बंद रखे गयो है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को जो क्षेत्र है वो काफी लंबो चौड़ो क्षेत्र है, तो अगर कोई छात्र है जो आनो चाहे तो वो आपके गाइडलाइन है सरकार की जो गाइडलाइन तय की गई है वे गाइडलाइन पड़ गया है और जट तक हो सके बट तक है जबकि कॉलेज हूँ आपके संपर्क करके पहुंचे, क्योंकि अठे है जबकि आम जबकि सुविधा की आप बात कर लें तो अभी तक है आम लोगों के लिए गेट बंद कर दिया गया है। अभी आप बीकानेर के डाक पोस्ट ऑफिस है भारतीय डाक बटखड़े अंदर जाके है जो विजुअल देखा लगातार और लोग है जका आप बीच में आ चुके होंगे, मतलब व्यवस्था है व्यू बताओ है कि लोग है जका मास्क लगा के रखे है और पूरी पूरी मतलब बीच में दूरी भी है जबकि बनाई गई है लगातार। आप मतलब बीकानेर का एक एक सरकारी डिपार्टमेंट है बढ़ जावांगा कि अंदर की व्यवस्था है कितना कर्मचारी है और काम कर रहा है या कौन कर रहा सारा है जका कर्मचारी तत्पर है काम कर रहा लगातार काम है जो पोस्ट ऑफिस में हो रही है। और अगर कोई इशू ज़्यादा अगर कोई भी कस्टमर वगैरह आवे तो बाने बारे रोक दियो जावे और मतलब वो पासपोर्ट है ऑफिस है इन बंद कर दियो गयो है। रात एक आदेश आयो आगामी आदेश तक 3 मई तक के है कि बंद कर दिया गया है। पोस्ट ऑफिस के बारे में थाने जानकारी देवांगा। कोरोना की वजह से 9 से 2 बजे तक का टाइम कर रखा है यहाँ पे, 9 से 2 बजे तक काम होता है। और अंदर जो कि मतलब सिचुएशन है ज़्यादा अगर लोग आ जाए तो मांग लिया के व्यवस्था कर रखी है, पूरी डिस्टेंसिंग रखते हैं सर, दूरी बना के रखते हैं, विदाउट मास्क अलाउ नहीं है। सुबह सुबह पूरा हॉल भरा हुआ मिलता है, डिस्टेंसिंग नहीं होती है, कोई जगह खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती, हॉल पूरा भरा हुआ मिलता है डेली। कितना बजे? सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। नहीं कोरोना चले तो मास्क तो लगा लेते हैं। मैं इन दिनों में कोई काम से 3-4 दिन लगातार आया हूँ तो सुबह सुबह मतलब पूरे टाइम ही नहीं मिलता, कुछ जगह नहीं मिलती, पूरा भरा हुआ आता है। लेकिन मैं क्या मान तो मतलब चित्र है जगह विपरीत, 10 बजे से 11 बजे तक पूरा फुल रहता है। अच्छा। और कर्मचारी जो है ना कम है, कर्मचारी संख्या कम है तो उस वजह से काम धीरे होता है और लोग जो है ना 10 बजे आते हैं उनको 12-1 बजे तक खड़ा रहना पड़ता है। कितना चक्कर लगा गया? मैं कम से कम 3री बार आया हूँ। अच्छा, और तीसरी बार आज के दिन में 3री बार आया हूँ आज के दिन, इसलिए क्योंकि भीड़ में मैं घुसना नहीं चाहता था, मैंने सोचा भीड़ कम हो जाएगी, देख कर वापस चला गया। हाँ। फिर वापस आया, फिर भीड़ उतनी की उतनी। हाँ। अब जाके थोड़ा सा भीड़ कम हुई है। अच्छा अच्छा, तो मतलब इंग लारे कारण के मानस कहाँ? कारण ये है कि कर्मचारियों की खिड़की कम है, कर्मचारियों की संख्या कम है। हाँ। और यहाँ पर ज़्यादातर तो बुजुर्ग लोग आते हैं। हाँ। उनको 2-3 घंटे खड़े रहना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब कठिन कठिन यहाँ केस को हो कि मतलब व्यवस्था है जबकि कोरोना के अंदर लाचार व्यवस्था लगा था ना? बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था सही नहीं है। लेकिन मतलब मैं भी अंदर गया माने तो व्यवस्था इसी कोई खराब कौन लगी? अब बंद होने का टाइम हो गया। हाँ। 2 बजे बंद हो जाता है। हाँ। तो अभी लंच था, मतलब 1 से 1.5 तक लंच होता है और 1.5 से 2 बजे तक आधी घंटा काम और होता है, 2 बजे बंद हो जाता है। तो अब ये इस वजह से लंच के बाद में, लंच से पहले जो है ना वो आधी घंटा का लंच होता है, लोग चले जाते हैं और अब भीड़ कम होती है, इसलिए मैं आया था। एक सारे दर्शक सुन रिक्वेस्ट है, थारे मोबाइल में एक मतलब एप्लीकेशन है कैमरा बिन थे ऑन करो, रिकॉर्ड करो और माने भेजो, ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है थारी स्क्रीन पर भी चल रहा है बी पर भेजो, मैं जरूर बताऊंगा सागे खुद के फेस के सागे बताओ कि किसी जगह की घटना है। अब भी अंदर गया माने स्थिति अभी नॉर्मल नजर आई। अब तो लंच की वजह से है। हाँ। लंच हुआ तो लोग हाँ। काम नहीं हो रहा इसलिए चले गए। अब लंच के बाद में आधी घंटा का टाइम होता है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं होती, सिर्फ सुबह सुबह भीड़ होती है। हाँ। और सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि एक साथ सभी नहीं आए। हाँ। मतलब जब भीड़ हो देख करके वापस चले जाना चाहिए, भीड़ के अंदर किसी को भी नहीं आना चाहिए। आपने सागे अभी मतलब एक मैं पुल क्रॉस कर रहा बीकानेर को और माने एक जोमेटो डिलीवरी बॉय है बे मिला है, मैं रुकवायो है, आंसू बात कराँगा। कितना बजे तक है ये? सुबह 8 बजे जोमेटो कंपनी है जो लाइव हो जाती है और शाम को 8 बजे तक इसका रूल है गवर्नमेंट के हिसाब से। हाँ। और शाम को 8 बजे तक लाइव रहती है। अच्छा, मतलब लॉकडाउन का महीने मतलब 3 मई तक या गाइडलाइन है कि थारे वास्ते? अभी तक तो 3 मई तक गाइडलाइन है, उसके बाद में देखो सरकार अगर बढ़ानी चाहे मतलब सरकार अगर लॉकडाउन बढ़ा देती है तो कंपनी को भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप बात करें कि मतलब ऑर्डर है जो लगातार गिर रहा है या कौन गिर रहा? अभी ऑर्डर में लगातार कमी तो नहीं आई है, मतलब जैसे पहले थे ऑर्डर उससे कभी ज्यादा बढ़े हैं ऑर्डर। हाँ। थोड़ी सी जगह बात करांगा। अच्छा, अगर आप बात करें तो मतलब भाई थारो जिया काम बढ़ गयो, इस तरह बढ़ गयो है तो मतलब अभी 24 घंटे ड्यूटी थारा 12 घंटे ड्यूटी होगी क्या? हाँ, पहले भी 12 घंटे ही थी। हाँ, रात में कोनी? हाँ, रात को जैसे 12 बजे तक थी, 12 बजे बाद में बंद हो जाता था। हाँ। अभी 12 से घटा के 8 बजे तक कर दिया। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो ए हाँ, जोमेटो बॉय अगर बीकानेर के अंदर थे बता रहे हो कि सुबह 8 बजे लेके शाम में 8 बजे तक है ए होम टू होम जो डिलीवरी है वे पहुँचाने को है जो काम करे लॉकडाउन के महीने आगे लिए भी आ है जो कि गाइडलाइन है
तो थारी के राय है थे थारी कमेंट है, कमेंट के माध्यम थारी राय रखने की जरूर कोशिश करें। अगर नया हो तो चैनल ने ढेर सारो प्यार दे दो। आप यहाँ ही अलग अलग जगह जागे कोविड 19 के अंदर इस काल के अंदर मारी सेफ्टी भी रखा, और इस आगे साथ थाने कहना चाहवा कि थे थारी सेफ्टी भी रखो। दो गज की दूरी है जो कि जरूरी है, और अगर थे बारे निकलो तो थोड़ा सो सेफ निकलो। और जियाँ की मतलब मास्क कौन लगा रहा कि आदमी आज भी, तो मास्क लगाओ, मास्क ही है जो को बचाव है। उम्मीद करा कि थाने ये कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लगे, जानकारी थाने मिली है। अगर जानकारी मिली है तो कमेंट के माध्यम माने जरूर जरूर है जो कि थारी राय बताने की कोशिश करो। जय राजस्थान, जय हिंद, जय बीकाना।